धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास एर्थ एक्सरसाइज 2A। तो यहाँ पर पहला सवाल कह रहा है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 है, 2 जो है सम है, फिर है हमारा 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और फिर 15 है। ठीक, तो हमने एक पुराना वीडियो बनाया था तो उसमें बच्चे ने कह दिया था कि सर ये 9 विषम नहीं है, भाज्य है। तो देखिए भाज्य भाज्य अलग से चीज़ है। ठीक है, भाज्य वो संख्या होती है जो किसी ना किसी से भाग हो जाए, लेकिन जो विषम होती है, ठीक, इसका भाज्य भाज्य से कोई मतलब नहीं है। जो संख्या 2 से ना कटे, ठीक, वो क्या है, विषम है। जैसे 21, 23, 25 ये सब क्या है, विषम है। जबकि 21 भी भाज्य कट जाएगी, 25 भी भाज्य कट जाएगी, यानी जो 2 से ना कटे सिर्फ वो होती है विषम संख्या। ठीक, या जिसके लास्ट में जो है वो विषम संख्या, मतलब 2 से ना कटे, या समझ गए कि जो विषम संख्या क्या है, जो 2 से ना कटे, तो ये सब क्या है, विषम संख्या है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, ये जो सब संख्याएं हैं, ये वाली जो 2 से कट जाए, ये इसे कहते हैं सम। और बाकी जो संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये है सब विषम। अगर सम विषम की बात करें तो ये होता है, और भाज्य भाज्य की बात करें तो जो संख्या किसी ना किसी से कट जाए, किसी भी संख्या से कट जाए वो भाज्य, जो किसी से भी ना कटे वो अभाज्य। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सिर्फ 2 ही एक ऐसी सम संख्या है, 2 ही एक सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। बाकी कोई भी सम संख्या हो, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सभी क्या है, ये भाज्य है। ये सब क्या है, भाज्य है। सिर्फ 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो हमारी क्या है, अभाज्य है। अब आते हैं सवाल पर, घूम के आते हैं, 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग क्या होता है, यानी घात 2। तो इसका मतलब होता है जो ये संख्या लिखी है इसको 2 बार लिखना है, 1 × 1। तो इसका जो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 × 1। और यह 3 लिखा है, 3 की घात 2, यानी 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 3 × 3 = 9। और इसका जब इस घात 2 करेंगे, यानी वर्ग, वर्ग का स्क्वायर, इसको कहते हैं स्क्वायर, इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो 5 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, 25। अब ये 7 का वर्ग जब ज्ञात करेंगे यानी स्क्वायर, तो 7 × 7 हो जाएगा 49। 9 का जब वर्ग ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 9 × 9, यानी 9 × 9 = 81। जब 11 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 11 × 11 हो जाएगा 121, 11 × 11 = 121। 13 का जब वर्ग ज्ञात करेंगे तो 13 × 13, तो ये हो जाएगा 169। और जब 15 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 15 × 15, तो ये हो जाएगा 225, 15 × 15, यानी 225। इस प्रकार से सब लिख लेंगे। नांकित के मान बताइए, 56 का वर्ग यानी स्क्वायर। तो इस घात 2 लिखा है, यानी घात 2, अगर घात 3 लिखी तो 3 बार लिखेंगे, घात 4 लिखा है तो 4 बार लिखेंगे, यहाँ पर घात लिखिए 2, यानी ये जो ब्रैकेट में चीज़ है इसको हम 2 बार लिखेंगे। तो 56 × 56, तो अगर इसकी गुणा डाइट ना कर पाओ या मोबाइल ना हो आपके पास तो इस प्रकार से भी गुणा कर लेना। तो 56 और 56 की गुणा करेंगे तो 6 × 6 = 36, 6 × 5 = 30 और 3 = 33, फिर 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25 और 3 = 28। तो ये आ गया 6, 3, 8, 3, 11, 1, 3, यानी ये आ गया हमारा 3136, यानी 3136। फिर 82 का स्क्वायर कह रहा है, तो 82 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो देखिए 82 × 82, ठीक, तो इसकी जब हम गुणा करेंगे तो देखिए 82 और 82 की गुणा कर लेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 8 × 16 = 1, 8 × 64 = 65, तो ये आ गया 4, ये आ गया 2 और ये आ गया
पाँच एक छः और इधर से छः बारह आया था, यहाँ से लाया एक तो छः पाँच एक छः और यहाँ से लाया था छः, 6724 6724 आ गया। और जब 65 की गुणा करेंगे यानी 65 का स्क्वायर यानी 65 गुणे 65 तो इसकी भी गुणा कर लेंगे तो 65 की पचम 25 पाँच छक्का 30 और दो 32 छः पंचे 30 और छः छाक 36 और तीन 39 तो ये आ गया 5 2 9 3 12 हासिल आया 1 4 यानी 42 25 आ गया। कितना आ गया 42 25। और जब 75 का स्क्वायर करेंगे यानी 75 गुणे 75 तो इसकी भी गुणा कर लेना कहीं पर ले जाकर 75 75 पचम 25 हासिल आया 2 5 7 35 और 2 37 7 5 35 हासिल आया 3 7 7 49 और 3 52 तो ये आ गया 5 7 5 12 और हासिल आया 1 3 और 2 3 और 2 5 और एक हासिल आया था 6 यानी 5625 ये हमारे आंसर हो जाएंगे। निम्नांकित प्रमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी वर्ग कर रहा है कह रहा है यानी इसका क्या करना है स्क्वायर ज्ञात करना है। तो ये -5 जो ब्रैकेट में लिखा है -5 दो बार करेंगे लेकिन वर्ग में जो ये माइनस होता है वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस और पाँच की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा पचम 25। फिर सेकेंड देखते हैं 13/17 यानी इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है यानी वर्ग करना है। तो ये जाएगा 13/17 × 13/17 तो ऊपर जो 13 13 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 169। ठीक, अगर डायरेक्ट पता है तो ठीक ठीक नहीं तो आप गुणा कर सकते हैं 17 17 की गुणा करेंगे तब आंसर आएगा 289। फिर बात करते हैं -6/7। अब जब इसका स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा -6/7 -6/7 तो माइनस माइनस कट गया या माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 6 और 6 की गुणा होगी तो ये आ जाएगा 36 और नीचे 7 और 7 की गुणा होगी तो ये आ जाएगा 49। फिर चौथा वाला सवाल देखते हैं इसका क्या करना है वर्ग तो ये भी आ जाएगा 15/19 × 15/19 तो 15 15 की गुणा करेंगे तो ये होता है 225 और नीचे आ जाएगा 19 19 का होता है 19 × 19 आएगा 361। यहाँ पर देखते हैं -125 यानी इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो -125 × -125 तो इसका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 15625 इसकी गुणा करा लेना आप। अब देखते हैं इसका जब क्या करें वर्ग होगा इसका भी वर्ग होगा तो आ जाएगा 9/-23 × 9/-23 तो ऊपर 9 9 की गुणा करेंगे तो ये तो हमको बहुत दिन पहले से पता है 9 9 81 और 23 और 23 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 529। कितना आ जाएगा 529। एक्सरसाइज 2A दाइन। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।